अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद ऐना। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चावल की फिरनी। चावल की फिरनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर मिल्क लिया है हमने, उसमें से 750 ml मिल्क इसमें है, इस जग में है, जार में है, एंड हाफ एंड 1 कप मिल्क मीन्स 4 कप मिल्क लिया है हमने, 3 कप मिल्क इस जार में है और 1 कप मिल्क यहाँ है और जो हम बाद में यूज़ करेंगे। हाफ कप राइस लिए हमने, इसे हमने धोकर भिगो दिया था 30 मिनट्स के लिए, इसके बाद इसे सुखा दिया, ड्रेन करके इसे सुखा दिया और फिर इसे हमें ग्राइंड करना है मिक्सी के जार में इस 1 कप मिल्क के साथ। ये वह हाफ कप राइस है, ये हाफ कप शुगर लिया हमने, कैशू नट लिए हैं, काजू लिए हैं, कुछ 15 to 20 कैशू नट्स लिए, काजू लिए हमने, इसका पेस्ट बना लेंगे हम बाद में। और ये कार्डमम पाउडर और इलायची पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लिया है, और ये कुछ ज़ाफ़रान और सैफ्रॉन को मिल्क में भिगो कर रख दिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चावल की फिरनी बनाना। चावल की फिरनी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड थे हमने आपको बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। चावल की फिरनी बनाने के लिए हमने एक हैवी बॉटम पैन लिया है, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इस फिरनी को बनाने के लिए आप एक हैवी बॉटम पैन लीजिए, अदरवाइज़ जो मिल्क है वो नीचे स्टिक हो जाएगा। इसमें हमने 3 कप्स मिल्क लिया है, 1 लीटर या मिल्क 1 लीटर मिल्क है, उसमें से हमने 3 कप मिल्क इस ऐड कर दिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हमने एक हैवी बॉटम वेजल और पैन रख दिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप मिल्क। इस जार में 3 कप मिल्क था, हमने इसमें ऐड कर दिया 750 ml मिल्क है। ये इसे हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने देंगे और फिर इसकी फ्लेम को लो कर देंगे गैस की और इसे 10 टू 15 मिनट तक रिड्यूस करेंगे इस मिल्क को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बॉईल आने देंगे हाई फ्लेम पर। अब इस मिल्क को हाई फ्लेम पर बॉईल आ गया है, बॉईल आने के बाद हाई फ्लेम पर हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 15 मिनट्स तक रिड्यूस करेंगे इस मिल्क को। ऐसे आपको स्टर करना है कंटिन्यूस, अदरवाइज नीचे दूध स्टिक हो जाएगा, जो साइड में जो दूध स्टिक हो रहा है हमें उसे निकाल कर स्क्विप करके इसमें ऐड करना है। और थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे स्टर करना है। गैस की फ्लेम को लो कर दिया है हमने, अब 15 मिनट्स तक हम इस दूध को रिड्यूस करेंगे। 15 मिनट्स तक हम इसे और कुक करेंगे, इससे दूध रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर वक्त के बाद देर में आपको इसे स्टर करना है और साइड से स्किप करके इसमें ऐड करते जाना है। जब तक 15 मिनट तक ये दूध रिड्यूस होता है, जब तक हम राइस को ग्राइंड कर लेंगे मिल्क के साथ। हमने बासमती राइस यूज़ किया है, बासमती राइस से चावल की जो खीर आप बना रहे हैं, फिरनी बना रहे हैं सॉरी, उसमें अच्छे सा एरोमा आएगा। ये हमने बासमती राइस लिए हैं,
बासमती राइस को जब तक कि ये दूध रिड्यूस होता है 15 मिनट्स तक हमें इसे रिड्यूस करना है लो फ्लेम पर। जब तक हम इस बासमती राइस को इस वन ये हमने हाफ कप बासमती राइस लिया था इसे हमने भिगो दिया था, इसे धोकर अच्छे से भिगो दिया था 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद इसे ड्रेन करके इसे सुखा लिया था और ये धोकर भिगोकर सूखा हुआ बासमती राइस है। ये इस बासमती राइस को हमें इस वन कप में जो हमने उठा कर रखा था इस बासमती राइस को हमें इस वन कप मिल्क के साथ ग्राइंड करना है मिक्सी के जार में जब तक कि ये दूध 15 मिनट्स तक कुक हो रहा है। एक मिक्सी का जार लेंगे हम और इसमें ये बासमती राइस जो ऑलरेडी धोकर सुखाया हुआ है उसे हम इस मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और ये हाफ कप बासमती राइस है और ये वन कप मिल्क है। वन कप मिल्क इस बासमती राइस में हमें पोर करना है और इसे ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के जार में जब तक ये दूध रिड्यूस होता है। हम इसे ग्राइंड करके प्रिपेयर कर लेंगे इसका पेस्ट। तो हमें इस राइस को कोर्स पीसना है, दरदरा पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है इसका, इसे दरदरा पीसेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में आपको इस मिल्क को स्टर करना है, अदरवाइज़ ये मिल्क जो है नीचे स्टिक हो जाएगा। और साइड से इस दूध को जो साइड में लग रहा है उसे हम इस मिल्क में ऐड करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में स्टर करना है आपको जब तक ये 15 मिनट्स में कुक होता है और रिड्यूस होता है। जब तक हम इसे पीस कर इस बासमती राइस को इस वन कप मिल्क के साथ हाफ कप बासमती राइस को इस वन कप मिल्क के साथ ग्राइंड करके प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको इस मिल्क को स्टर करना है थोड़ी थोड़ी देर में, अदरवाइज ये स्टिक हो जाएगा जब तक कि ये रिड्यूस हो रहा है। जब तक हमने ये मिल्क के साथ राइस को ग्राइंड कर लिया है और इसे कोर्स ही पीसा है, दरदरा पीसा है हमने, आप देख सकते हैं हमने इसे दरदरा पीसा है। इसका पाउडर नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है आपने। इस राइस को हमें मिल्क के साथ दरदरा और कोर्स पीसना है, कोर्स ग्राइंड करना है। ये हमने ग्राइंड करके रख दिया जब तक कि ये 3 मिनट तक रिड्यूस होता है। हमने ये राइस प्रिपेयर कर दिया हमने ग्राइंड करके मिल्क के साथ, वन कप मिल्क के साथ हाफ कप राइस को हमने ग्राइंड करके कोर्स ग्राइंड करके रख दिया है। अब हम जब तक इस कैशू नट का पेस्ट बना लेंगे। अब दूध को रिड्यूस करते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं। हमने इस मिल्क को 15 मिनट्स तक स्टोर करते हुए रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है इस दूध को 15 मिनट तक। लेकिन आपको इसे स्टर करना है थोड़ी थोड़ी वक्त पर, थोड़ी थोड़ी वक्त देर में इसे स्टर कीजिए, अदरवाइज़ दूध नीचे स्टिक हो जाएगा। अब आफ्टर 15 मिनट्स के बाद हम इसमें ये राइस, ये बासमती राइस जो हमने वन कप मिल्क के साथ ग्राइंड कर लिया है इसे आपको कोर्स ग्राइंड करना है, दरदरा पीसना है लाइक दिस। देखिए इस तरीके से हमने इसका पाउडर नहीं किया है, पेस्ट नहीं बनाया है, इसे दरदरा पीसा है, कोर्स पीसा है। अब इस मिल्क को और इस बासमती राइस को जो हमने ग्राइंड किया है वन कप मिल्क के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मिल्क में गैस की फ्लेम लो है हमारी, हमें इसे स्लोली ऐड करना है इसमें। और जब हम ऐड करेंगे इसमें ये मिल्क विद बासमती राइस हमें इसे कंटिन्यूस स्टोर करना है। स्टोर करते हुए हमें इसमें ऐड करना है ये इस मिल्क को, इसमें सॉरी इस राइस को जो विथ मिल्क हमने मिल्क के साथ ग्राइंड कर दिया था
मिक्सी के जार में इसमें ऐड कर दिया है इस मिल्क में, और अब हमें इसे कंटिन्यूस स्टोर करना है। गैस की फ्लेम को हाई करना है हमें और इसे कंटिन्यूस स्टोर करना है एक बॉईल आने तक। जब आप राइस जो आपने ग्राइंड किया है इस मिल्क में ऐड करें, उस टाइम पर आपको स्टर करना है। स्लोली स्लोली ऐड करके राइस मिल्क में आपको गैस की फ्लेम को लो कर कर स्टर करते हुए ऐड करना है राइस को मिल्क में। अब गैस की फ्लेम को हाई रखा हमने एक बॉईल आने तक। हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके 7 to 10 मिनट्स तक इस राइस को मिल्क के साथ कुक कर लेंगे। इस राइस को मिल्क के साथ एक बॉईल आने तक हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है और इसमें एक बॉईल आ गया है। कंटिन्यूस स्टोर करना है आपको। अब हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पर हमें इसे 7 to 10 मिनट्स तक राइस को इस मिल्क के साथ कुक करना है, और साइड में जो भी दूध स्ट्रिक हो रहा है आपको उसे स्किप करना है और इस मिल्क में ऐड करते जाना है। आपको इसे कंटिन्यूस स्टोर करना पड़ेगा। अब हम इस मिल्क को राइस के साथ 5 to 7 to 10 मिनट्स कुक करेंगे स्टर करते हुए। जब तक कि राइस इस मिल्क के साथ कुक हो रहे हैं 7 to 10 मिनट्स में, जब तक हमने इसे थोड़ी थोड़ी देर से हम स्टर कर रहे हैं, जो जो साइड में स्टिक हो रहा है मिल्क हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। जब तक इसे स्टर करते हुए थोड़ी थोड़ी देर में हमने इस कैशी नट को काजू जो 20 कैशी नट और काजू हमने दिए थे हमने उसे ग्राइंड कर लिया मिक्सी की जार में। अब इस मिल्क को राइस के साथ कुक होते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, और 5 मिनट्स हमें इसे कुक करना है। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में स्टर कर रहे हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे कैशी नट का पेस्ट जो हमने प्रिपेयर किया था अभी मिक्सी की जार में। 20 कैशी नट को थोड़ा सा वाटर डाल के पेस्ट बना लिया मिक्सी की जार में। अब हम इसमें ऐड करेंगे और स्टर करते रहेंगे। कैशी नट के पेस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इस कैशी नट के पेस्ट के साथ हमें इस राइस और मिल्क को कुक करना है 7 to 10 मिनट्स तक। जब तक राइस भी पक जाएंगे, थोड़ी देर में आपको इसे स्टर करना है, अदरवाइज ये नीचे स्टिक हो जाएगा। और साइड से जो भी मिल्क स्टिक हो रहा है आपको इसे रिमूव करके स्ट्रिप करके इसमें ऐड करते जाना है। इसे हम और 5 to 7 मिनट कुक करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में स्टर करते हुए। कैशी नट का पेस्ट काजू का पेस्ट ऐड करके भी हमने इसे 7 मिनट तक ऑलमोस्ट कुक कर दिया है। अब इसमें हम अब ये राइस भी कुक हो चुके हैं दूध के साथ, और कैशी नट के साथ भी काजू के साथ भी ये राइस कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे
हाफ कप शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, आई थिंक हाफ कप इज़ सफिशियंट। फिर भी अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमने हाफ कप शुगर ऐड किया है इसमें, इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। शुगर को इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे। अब इस शुगर के साथ भी हमें इसे 5 to 7 मिनट कुक करना है। गैस की फ्लेम को लो रखा है हमने। थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसे स्टर करना है, अदरवाइज ये फिरनी नीचे स्टिक हो जाएगी और साइड में जो भी दूध स्टिक होते जा रहा है आपको इसे रिमूव करना है और इसे इस मिल्क में ऐड कर देना है। स्टर करते हुए शुगर को इसमें डिजॉल्व कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद आपको इसे 5 मिनट्स तक और कुक करना है। शुगर ऐड करके हमने इसे 5 to 7 मिनट कुक कर दिया है। अभी शुगर भी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्लेवरिंग। इसमें ऐड करेंगे अब हम सैफ्रॉन जो हमने मिल्क में पोर करके रखा था सैफ्रॉन। हम इसमें ऐड करेंगे, हमने इसे दूध में भिगो कर रखा था सैफ्रॉन को, इसमें अभी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें इस पॉइंट पर सैफ्रॉन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे इसमें और सबको मिक्स करेंगे। इसे भी हम और 5 to 10 मिनट्स कुक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसे स्टर करना है और हमने इसमें सैफ्रॉन और ज़ाफ़रान और इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे स्टर कर रहे हैं और जो जो साइड में स्टिक हो रहा है वो भी इसमें ऐड करते जा रहे हैं। इसे हम और 5 मिनट्स कुक करेंगे। अभी कुक हो चुकी है पूरी तरीके से सैफ्रॉन, ज़ाफ़रान और इलायची पाउडर डालकर भी हमने इसे 5 to 7 मिनट कुक कर दिया है। इस पॉइंट पर आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब ये कुक हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे इसमें रिमूव करके इस बोल में ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। यह अभी दम प्रॉपर ठीक हो चुकी है और तैयार हो चुकी है। इसे बोल में रिमूव कर देंगे। अब
फिरनी को हमने बोल में रिमूव कर दिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे विद ड्राई फ्रूट्स। इनसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। अभी फिरनी तैयार हो चुकी है, हमने इसे गार्निश भी कर दिया है बोल में रिमूव करने के बाद। अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे, इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे इसे सेट होने के लिए। उसके बाद इसे खा सकते हैं आप। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए चलते हैं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।